गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज तो ईद है, ईद मुबारक। तो ईद है तो ईद पे तो बनेगा मज़ेदार खीर या शीर खोरमा, और उसके बाद सब बैठ के सुबह सुबह खीर खाएंगे, फिर ईदी मिलेगी दादों से, बाबा से, भाई से, फिर मज़े से सारे बैठ के एक अच्छा सा खाना खाएंगे और हम अपने पैसे उड़ाएंगे। वो वेट नो बेटे बड़ा हो, सारे बड़े हो गए हम, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब कुछ ईद ऐसी है कि मियाँ हजूर चले गए हैं नमाज़ पढ़ने, और ये किया हमने दरवाज़ा बंद, और अब शुरू हो जाते हैं अपने काम पे। जी जनाब, आ चुके हैं किचन में, और मीठी ईद हो, सवैयाँ या शीर खुरमा ना हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आए जल्दी से सवैयाँ जो है पैकेट से निकाली थोड़ी मोड़ी, और अब हम बनाते हैं सवैयाँ। सवैयाँ हल्की आंच पर पक रही हैं, तो ये सवैयाँ तोड़ते हुए जो हमने उड़ाई थी हवा में, इनको साफ़ करना भी तो साथ साथ ज़रूरी था। तो यहाँ ये साफ़, लेकिन इशाल ऐसा करने दें तो बात है ना। खैर क्या कर सकते हैं, अब तो आदत हो गई। तो मीठा चूल्हे पर रख दिया, और अब बारी है इशाल को चेंज करने की। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं कपड़े और इशाल को रेडी करते हैं। तो यहाँ इशाल हो चुकी हैं रेडी, जिसने शूज़ भी चेंज करने से इनकार कर दिया, और दुपट्टा इससे ज़्यादा हम सेट नहीं करवा रहे हैं, हमें सूखे पत्तों पर चलने का ज़्यादा शौक़ है तो हम वहीं पर चले गए हैं, हम कोई लिफ्ट नहीं करा रहे हैं। खैर मैं दोबारा किचन में आ गई, और पीछे पीछे इशाल भी दादों की चाय बनाने के लिए। अब इशाल की दादों की चाय मैं बना रही थी, और इशाल पता नहीं किसके लिए चाय का अहतमाम कर रही थी अपनी तरफ से। खैर चाय बन गई है, और इतनी देर में सवैयाँ भी कुछ नॉर्मल हो गई हैं, तो ये मैंने डिश आउट करके फ्रिज में रख दी हैं ताकि ठंडी हो जाएं। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियोस। इशाल के बाबा आ चुके हैं ईद की नमाज़ पढ़ के, और अब बारी है ईदी लेने की। तो ये इशाल की ईदी हो गई, और ये आ गई मेरी ईदी। अच्छा बचपन में ऐसा होता था जो ईदी मिलती थी मामा को दे देते थे, यहाँ मैं इशाल से ईदी लेने लगी हूँ तो इसने अपनी ईदी देने के बजाय मेरी ईदी भी ले ली है। ज़माना बदल गया है भाई। तो जी बस यही होता है, अब बांधे बाल, कहाँ कोई हेयर स्टाइल और कहाँ मेकअप, और पहुँच गया किचन में नाश्ता बनाने। एक तो ये अंडे के साथ मेरी कोई दुश्मनी है, ऑमलेट के साथ कभी नहीं बनता, जब वीडियो रिकॉर्ड करने लगो ये बेइज्जती कराता है। खैर क्या कर सकते हैं, अब बचता है क्या, होवत, अब तो शादी हो गई, गुजारा करना पड़ेगा। तो पीछे जनाब ये मुसलसल सायरन बज रहा था, नाश्ता किया, इसको चुप कराया, तो अब ये हमें संभाल संभाल के थक गई थी इसलिए ये टर्न हो गई हैं। मैंने कहा मौके का फ़ायदा उठाया जाए, जल्दी से किचन में पहुंची। ये बन गया जी चिकन कोरमा, और साथ ही मैंने ये चावल चिकन पुलाव के लिए ऑयल रख दिया है, और इसमें डालते हैं हम प्याज ताकि हम आगे प्रोसेस करके खाना बना लें। सो जनाब खाना बन चुका है, चिकन पुलाव, कोरमा, सवैयाँ, फ्रूट, मिठाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ने हमें इस काबिल समझा कि हमें इतना रिस्क दिया, और हम सुकून से बैठकर खाना एंजॉय कर रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ईद, एंड वंस अगेन ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।